हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त संजय, आपके अपने चैनल गैजेट गुरु संजय में। आज हम एक ऐसी मशीन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि एक जाना माना ब्रांड है और उसकी काफ़ी डिमांड है। कमेंट बॉक्सेस में भी काफ़ी इसके चर्चे हैं कि भैया आप उसकी अनबॉक्सिंग करो, उसकी अनबॉक्सिंग करो, और कई बार उसके प्राइजेस के बारे में भी पूछा जाता है मुझसे। तो आज जो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ वो होगी LG की वॉशिंग मशीन। आप ये 10 किलो सेगमेंट की वॉशिंग मशीन होगी। तो चलिए करते हैं शुरू और आइए देखते हैं। तो ये अपनी वॉशिंग मशीन है, चलिए करते हैं इसको शुरू, अनबॉक्सिंग करते हैं। काफ़ी बड़ा बॉक्स है इसका, बिकॉज इसका साइज भी बड़ा है। तो चलिए करते हैं शुरू। क्रिसमस गया और सेंटा का गिफ्ट अब आया है। ये है वॉशिंग मशीन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जस्ट कम क्लोज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है वॉशिंग मशीन LG का, बिगर साइज 10 kg रोलर जेट। इसके अंदर आपको मतलब बिल्कुल सफाई का एक दुनिया की वे मिलता है इसके अंदर। और कंप्लेन तो मैं आपको कहता हूँ, गारंटेड कहता हूँ, LG के अंदर कोई भी शिकायत किसी भी प्रकार की नहीं आती है। बिल्कुल ही नैरो, कोई 1000 पीस में एक आधा, जस्ट बिकॉज इट्स ए इलेक्ट्रिकल आइटम और प्रॉब्लम किसी में भी आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कमियाँ नहीं है। 99% ये चीज़ अपने जो गुणवत्ता उसके ऊपर खरी उतरती है, जिसको हम ये कह सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, उमदा है, और प्राइस सेगमेंट की बात करें तो प्राइस तो और भी बेटर है इस सेगमेंट के अंदर। मात्र 16,500 रुपए के आसपास की मशीन है, मतलब 16-17 जो अंदर जो अपना बजट है उसके अंदर ये मशीन आ जाती है। और ये मॉडल है अपना P1040 मॉडल है, SR8Z, और क्वालिटी वाइज काफ़ी बढ़िया मॉडल है। चलिए मैं आपको इसका दिखाता हूँ इंटीरियर, उसके बाद हम इसका राउंड में क्लोज लेंगे एक्सटीरियर। तो बड़े वाले तब की हम बात कर रहे हैं, तो ये है अपना मेकअप। हालांकि अभी भी LG के अंदर कई लोग डिमांड करते हैं कि भैया टफन में नहीं आ रहे, क्योंकि गोदरेज ने आपको अपग्रेड कर दिया, हायर ने अपग्रेड कर दिया है, बट LG ने अभी तक अपग्रेड करा नहीं अपने आप को। ये आज भी पुराने सेगमेंट में ही काम कर रहे हैं, आज भी इनकी मशीनें जो है ढक्कन इनका अलग ही रहता है, ठीक है, सेपरेट ढक्कन के साथ आ रही है, ये सेपरेट डोर के साथ आ रही है। और ये सुखाने वाला ये स्पिन टब, मैं हटा देता हूँ इनका टब का, ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसका अंदर का मशीन का है अपना। इसमें आपको ये सारा सिस्टमेटिक मिलता है। इसके अंदर आपको ब्रश वगैरह जो भी है लगना लग जाता है, उसके अंदर आप अपना वाटर लेवल मीडियम लो हाई अपना सेटअप कर सकते हो। और आपको ड्यूल वेल पुलिंग, जिसे बोलते हैं हम ड्यूल वेल पुलिंग, आपको इसके अंदर मिलती है। इन जेट के अंदर जो सेगमेंट है इनका, ड्यूल वेल पुलिंग मिलती है। और ये एक अपना बॉक्स होता है जिसके अंदर हम अपना सर्फ वगैरह डाल के इसको स्पिन कर सकते हैं। और ये हो गया अपना धोने वाला। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर आप कंबल भी इजीली वॉश कर सकते हो फैमिली के अकॉर्डिंग। बात करते हैं स्पिन टब की, तो स्पिन टब आप, ये मैनुअल है इसका, और साथ में इसका जो पाइप वगैरह है वो भी रहता है। ये देखिए अपना स्पिन टब, ये मैं इसमें डाल देता हूँ, ये इसका टब है। और ये जो मैंने ब्रश की जो मैंने बात करी वो यहाँ लग जाता है। और ये इसके दोनों पाइप्स हैं, और ये इसका स्पिन टब का ऊपर का ढक्कन है जो उसको, जो कपड़े बाहर आने से फ्लो करने से बचाता है। ये इसकी एक्सेसरीज हो गई, और ये इसके क्लिप हो गए जो आपके इस वाले में लगेंगे,
पीछे के साइड में लगेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ उसका एक्सटीरियर भी दिखाता हूँ। ये फिलहाल इसका इंटीरियर आप देख रहे हैं, तो इसको हम अभी बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। काफ़ी टाइट है, काफ़ी बड़ा है, पास आओ थोड़ा, पास आओ। ये मैं आपको इसका यूजेस और हाउ टू यूज़, हाउ टू वॉश और कैसे पानी का ड्रेनेज होगा ये सारा मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले बता देता हूँ मैं आपका पानी का सेटअप क्या है। पानी के सेटअप के लिए ये स्पेशल बटन दिया गया है, सभी मशीनों में होता है, बट किसी मशीन में जैसे गोदरेज में इसके लिए अलग से बटन है और इसके लिए अलग से बटन होता है, तो इसके अंदर सेपरेट बटन दिया हुआ है। अगर आपने इसमें पानी चाहिए तो आप जस्ट इसको ऐसे कर दीजिए, वॉश कर दीजिए, वॉश वाला बटन दबा दीजिए, आप इसको लेफ़्ट साइड में कर दीजिए, और अगर आपको स्पिन में वाटर चाहिए तो आप इसको लेफ़्ट साइड कर दीजिए। यहाँ पे पानी का आपका छोटा वाला पाइप लग जाएगा और एक आपका नलके में लग जाएगा, जिससे आपका पानी का फ्लो इसके अंदर रहेगा, पानी वाटर सप्लाई इसके अंदर रहेगा। सेकंड, ये आपका इसका जो वॉश टाइमर है, जिसमें आप 15 मिनट तक नॉन स्टॉप वॉश कर सकते हैं। ये आपका वॉश सिलेक्टर है, हाउ टू वॉश लाइक जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ द किस फॉर्म में आप कपड़े धोना चाहते हो। एंड सेकंड थिंग, वॉश ड्रेन्स, मतलब ये आपका पानी का ड्रेनेज का है, जस्ट ड्रेन एंड आपका सारा पानी जो है वो बाहर फ्लो हो जाएगा। एंड दिस इज़ फॉर स्पिन टब, 5 मिनट का इसके अंदर टाइमर रहेगा आपका, जस्ट टेक एंड जब भूल जाओ आप, ये अपने आप रिंग करेगा क्योंकि इसके अंदर बजर लगा हुआ है, रिंग लगा हुआ है। तो ये हो गया, अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ बाहर की साइड का। एक राउंड ले लेते हैं इसका, देख लीजिए आप कितना बड़ा मशीन है, 5 स्टार के अंदर ये मशीन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 किलो के अंदर 5 स्टार के अंदर ये मशीन है। कलर ऑप्शन आपको इसके अंदर 2 मिल जाते हैं, एक ब्लैक एक वाइट, और इसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंट के अंदर भी एक मशीन, एक मॉडल और आता है। 10 किलो के अंदर 3 या 4 मॉडल आपको मिल जाते हैं। और इसकी वायरिंग है जो तकरीबन आपकी 3 मीटर होती है, ये 3 मीटर के आसपास होती है ये वायरिंग, सॉरी 3 मीटर मैं ज़्यादा बोल गया, 2.5 मीटर की वायरिंग होती है ये, 1.5 मीटर की होती है। तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं, वैसे यहाँ चिपका रहता है ये। ये हो गया आपका एक्सटीरियर, और जो इसका पाइप है वो यहाँ लगेगा, जो पाइप की जो क्लिप है वो यहाँ लगेगी और ये पाइप यहाँ सेटअप हो जाएगा, और पाइप को होल्ड करने के लिए स्पेशली दिया गया, जिसमें आप जो इसका बड़ा वाला पाइप है वो आप यहाँ पर इसको होल्ड कर सकते हो। तो दिस इज़ द थिंग जो इसकी है, और ये इसका इंटीरियर है और एक्सटीरियर है। मशीन आपने देख ली है, मशीन आप देख चुके हैं, कईयों के घरों में चल भी रही होगी, जस्ट बिकॉज ये बिकती सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है, और क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। LG तो अपने आप में एक ब्रांड है, LG सैमसंग, जब भी कोई ग्राहक आता है शॉप के अंदर तो जस्ट दे ओनली डिमांड फॉर LG एंड सैमसंग। तो इसका इतना कुछ वो नहीं है कि भाई इसको बताने की इतना एक्सपेक्टेशन का एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये अपनी एक्सपेक्टेशन पे हमेशा खरी उतरती है ग्राहकों की, और जो भी इनको मतलब जो भी परचेज करते हैं तो ये निराश नहीं होती भाई, कभी कहीं भी ख़राब निकल गई, ये हो गया, कोई हज़ारों में एक आधी मशीन हो तो जस्ट बिकॉज एक इलेक्ट्रिक आइटम है, बाकी और कुछ नहीं है। और फाइनेंस फैसिलिटी अगर हम बात करें तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, IDFC बजाज, होम क्रेडिट, HDB, HDFC, सारा कुछ, तो नो कॉस्ट EMI के साथ अवेलेबल है, प्लस क्रेडिट कार्ड के ऊपर कैशबैक के साथ भी ये मशीन अवेलेबल है, लाइक 10-15% कैशबैक भी इसके इस मशीन के ऊपर अवेलेबल है आपको। प्राइस रेंज मैंने आपको बता दिया, 16,000 से 17,000 रुपये के अंदर में ये मशीन है, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। सर्दियों का सीज़न है, खासकर महिलाओं के लिए बड़ी प्रॉब्लम रहती है कपड़े धोने में, सुखाने में, चलो धो तो लेते हैं बट सुखाने का बड़ा झंझट रहता है। आज भी काफ़ी फॉग था दिल्ली के अंदर और पारा भी काफ़ी डाउन जा रहा है, तो सर्दियों में कपड़े सुखाने का बहुत ज़्यादा झंझट रहता है, तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहता है इस टाइम के अंदर, खासकर बड़े कपड़ों के लिए।
जिन घरों में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन घरों के अंदर कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, और वो इतने बड़े कपड़े जैसे हो गए, रजाई हो गया, डबल बेड की कंबल हो गई, ये कई बार क्या होता है धुल नहीं पाते, लॉन्ड्री के लिए देते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए मशीनें बनी हुई है, आप उसमें वॉश करिए, सुखाइए और इन्जॉय करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।